नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अपने रात्रि के समय को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए और उसका बेनिफिट लिया जा सके, जब आप सोने जा रहे होते हैं उस समय का बेनिफिट लिया जा सके और उससे अपने सपने साकार किए जा सकें और डिफरेंट पावर्स को अचीव किया जा सके, अंदर विभिन्न शक्तियों को जगाया जा सके, नींद को कम किया जा सके, उसके लिए रात्रि का रूटीन कैसा होना चाहिए, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दो मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। हमारा अवचेतन मन बहुत 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 पावरफुल है। चेतन मन की तुलना में वो हजारों लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। चेतन मन सारा दिन एक्टिव रहता है, शाम का जो समय होता है, रात का जो समय होता है, अब चेतन मन को अपना काम छोड़ देना है और अवचेतन मन को अपना कंट्रोल ले लेना है। जब आप रात को सपने देखते हैं, वो सारा काम आपके अवचेतन मन का होता है। तो आपका जो समय है, आपका जो रात्रि का समय है, वो बहुत क्रिटिकल होता है आपके अपने जीवन की सफलताओं के लिए और डिफरेंट पावर्स को अचीव करने के लिए। तो जो भी संकल्प आप अपने अंदर डालना चाहते हैं, रात्रि का समय उन सब चीजों के लिए बेहतरीन होता है। तो क्या करें रात के समय में, जब आप सोने जा रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं? मोस्टली आप कोशिश करें उस समय में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव विचार अपने मन में डालें, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव अफर्मेशन की एक लंबी लिस्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर भी डाली हुई है और हमारी वेबसाइट माइंड गुरु इंडिया पर भी अवेलेबल है। आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, उनको अफर्मेशन को सुनते हुए भी नींद में जा सकते हैं, आप अपने अफर्मेशन दोहराते हुए भी नींद में जा सकते हैं। और अगर आपको अपने नींद पूरी रात को ध्यानमय बनाना है और डिफरेंट पावर्स को अचीव करना है, तो भी ये समय आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। तो जिन लोगों को तो अगर ध्यान में ही जाना है और आनंद लेना है, और जिनको अपने भीतर कुछ विजुअलाइज करना है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी मैंने मुद्रा पहले शेयर की है, वो है शांभवी मुद्रा। दोस्तों, अगर आपने पहले यूज नहीं किया तो वो वीडियो आप हमारा जरूर देख लें, शांभवी मुद्रा का। इसमें करना क्या होता है, आपको अपनी आंखों को इस तरह से ऊपर चढ़ाना होता है, हल्का सा आपको यहां देखना होता है, आपको अपनी दृष्टि अंदर से आंखें बंद करके ऊपर की ओर लगानी होती है। शांभवी मुद्रा के अंदर बहुत पावर है, बहुत ज्यादा। शांभवी मुद्रा से एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके जो आपका थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। इससे ब्रह्मांड की जो शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो जाती है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है जब आप अपना ध्यान आप अपने थर्ड आई में लगाते हैं। थर्ड आई में लगा सकते हैं या क्राउन में भी लगा सकते हैं, सिर की चोटी वाले हिस्से में भी लगा सकते हैं। रात को सारी दिव्य शक्तियां आपके भीतर उतरती हैं और आपकी चेतना, आपकी आत्मा भी जो है वो एक डिफरेंट साइकिल से गुजरती है, जिसमें उन पावर्स के साथ आपका कनेक्शन बनता है और आप कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी आपको अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में भी हो सकता है, या आपको ना भी पता हो तो भी आपकी चेतना जो है वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करती है, आपकी जाने बगैर भी करती है। ल्यूसिड ड्रीमिंग का जो कंसेप्ट है वो भी वहीं पर आता है। क्या किया जाए उस समय में? मैं जो करता हूं, मैं नॉर्मली अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा में लगा, अपने क्राउन में, सिर की चोटी वाले हिस्से में लगा कर रखता हूं। इसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे बढ़ानी है, सिर की चोटी में इस ध्यान ले जाना इतना सहज नहीं होता, आप शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। नॉर्मली आंखों को हल्का सा ऊपर चढ़ा लें और शांभवी मुद्रा लगाकर आप लेटे हुए अपने मन में विजुअलाइजेशन शुरू करें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। मान लीजिए आपको अच्छा मकान पाना है, अच्छी नौकरी पानी है, पढ़ाई में करियर अपना अच्छा पाना है, तो जो भी आप चाहते हैं वो आप विजुअलाइज करना शुरू करें, उसको आप देखना शुरू करें। ध्यान रखिए, ये जब आप नींद में जा रहे हैं, आप थोड़ी ही देर में पूरा कंट्रोल अवचेतन मन के पास आ जाने वाला है। अभी तो आप चेतन मन से सोच रहे हैं, हो सकता है आपकी विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी ना भी हो, तो भी जैसे ही कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास, अवचेतन के पास आया, सबकॉन्शियस उसको मल्टीप्लाई कर देता है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो विचार आप रात को रखकर सोते हैं, सारी रात आपका दिमाग जो है उसी विचार के आसपास घूमता रहता है और सुबह उठते पहला विचार वहीं से शुरू होता है जहां पर आपको रात को आपने फिनिश किया था। इसका मतलब ये है कि आपके लिए रात का वो समय बहुत क्रिटिकल होता है। तो उस समय का कैसे यूटिलाइज करें, आप इमेजिनेशन के द्वारा अपने गोल्स को फुलफिल होता हुआ देख सकते हैं, अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करता हुआ देख सकते हैं। जैसे
मैंने एक वीडियो ये भी डाला था कि अपने पास्ट लाइफ को अगर आपको देखना हो तो आप नॉर्मली अगर ना देख पाए तो अपने मन में संकल्प डालें कि मैं अपना पास्ट लाइफ अपने सपनों में ही देख पाऊंगा, मैं अपना पास्ट लाइफ देख पाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से देख पाऊंगा। आप ये संकल्प लगातार दोहराते रहें, ध्यान को यहाँ लगाए रखें। ध्यान रखना, आपने बहुत हार्ड ध्यान नहीं देना, बहुत हार्ड ध्यान अगर देंगे बिल्कुल एकदम घूरेंगे इस तरह से तो आपके लिए बहुत नींद आनी मुश्किल हो जाएगी। तो जाना है लेकिन सॉफ्टली जाना है उसके अंदर। तो एक तो ये तरीका हुआ, आप अपने मान लीजिए पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं या एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहते हैं। नॉर्मली आप करते हैं, नहीं हो पाता, लेकिन इस समय में अगर आप अपने मन को इस तरह से संदेश देते हैं तो आप थोड़े ही समय में एस्ट्रल ट्रेवल भी कर पाएंगे। नींद में भी कर सकते हैं और जागते हुए भी कर सकते हैं। ये अवचेतन मन को जो भी आप मैसेज देंगे, आपका अवचेतन मन उसको जरूर अडेप्ट कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसके हिसाब से ही वो रिजल्ट लेकर आता है। एक और चीज जो मैं इसमें यूज करता हूं, मैं करता हूं कि अपने सपनों पर मेरा कंट्रोल हो जाए, यानी ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए भी इस समय का उपयोग किया जाता है। अलग अलग चीजों के अलग अलग उपयोग हैं, तो जो भी आपको यूज करना है वैसा ही संकल्प अपने भीतर डालें। जैसे ल्यूसिड ड्रीम के लिए मैं डालता हूं कि मेरा अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल है, मेरा अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल है, मैं जो सपने चाहे देख सकता हूं और अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल कर सकता हूं, सपनों में मैं पूरा कॉन्शियस रहता हूं कि ये सपना चल रहा है। याद रखिएगा, थोड़ा समय लगता है इस चीज को अचीव होने में। जो भी संकल्प आपने लेना हो ना, उसको कुछ दिन तक लगातार दोहराएं। मेरे ख्याल से आपकी सोचने की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। आप कोशिश करें 21 दिन तक तो एक बात को पकड़ के ही रखें, उसके बाद ही कुछ बदलें। अगर आपको धन के लिए सोचना है तो धन पाने की बात 21 दिन तक अपने मन में लगातार रखें। रोज अपना टॉपिक चेंज ना करें, क्योंकि अवचेतन मन को के अंदर जहां तक मैंने जाना है 7 डिफरेंट लेयर्स हैं भीतर। उस लेयर को क्रॉस करने में, एक लेयर को क्रॉस करने में 3 दिन लग जाते हैं, तो 7 लेयर को क्रॉस करने में 21 डेज मिनिमम टाइम पीरियड जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में लगता है। लेकिन आपकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो एक बारी में भी प्रोग्राम हो सकता है। तो एक टॉपिक के ऊपर पूरे ध्यान सहित विजुलाइज करते चले जाएं, करते चले जाएं, और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपको उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय का आप उपयोग करें, ये बेहद कीमती समय है, बेहद कीमती समय दोस्तों। तो इसका आप उपयोग करेंगे, अपने रिजल्ट शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करें। आपको अगर कोई दिक्कत है इस समय के साथ, हम इसी चीज की ही हमारी एक्सपर्टीज है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं। एक स्लीप प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट है, स्लीप के सोने के दौरान आप बहुत सी बातें सीख सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। इस पर भी अभी काम चल रहा है, कुछ सक्सेस मिली है, कुछ मिलने बाकी है। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, लेकिन आप इस समय का उपयोग करना सीखें और अनजाने में ही, बेखुदी में ही आप नींद में ना जाएं। सोच समझ कर बड़े ध्यान पूर्वक कि इस समय का बहुत क्रिटिकल समय है, इस समय से आप जीवन में बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। इस चीज को जानते हुए आप अपने रात्रि का उपयोग करेंगे, सोते समय योग निद्रा भी कर सकते हैं, मन को पूरा रिलैक्स कर लें, तो थोड़े समय में ज्यादा नींद की भरपाई हो पाएगी और आप सुबह जब उठेंगे बहुत एनर्जेटिक उठेंगे। तो आप अपने ब्रह्म मुहूर्त का, यानी आप 3 से 5 बजे का जो समय है उसका बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है। आप 3 से 5 अगर आपकी आंख खुल जाते तो कोई दिव्य शक्ति आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं वैसा संकल्प भीतर डालें और देखें थोड़े ही दिनों में आपको उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का आप बेहतरीन उपयोग करेंगे। नीचे जो लिंक दिए गए हैं उनसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो भी कहा उन सब वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। तो आप उम्मीद आप इनका फायदा उठाएं। हमारे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।